दोस्तों, आप सबका आज के मेरे इस नए YouTube चैनल फ्री टू ऑल में स्वागत है। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, दैट इज केशव नंदा भारती जजमेंट। तो केशव नंदा भारती जजमेंट जो है, उसने हाल फिलहाल में 50 ईयर्स कम्प्लीट किए हैं, और हम देखेंगे कि केशव नंदा भारती केस था क्या। तो जो केशव नंदा भारती थे, वो हेड ऑफ ए हिंदू मोनेस्ट्री थे, जिन्होंने चैलेंज किया था केरल गवर्नमेंट के अटेम्प्ट को टेक ओवर द लैंड ऑफ द मोनेस्ट्री। अब ये जो केस था, वो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 26 को। अब आर्टिकल 26 कहता है, सिटीजन्स हैव द राइट टू मैनेज द रिलीजियस ओन प्रॉपर्टी विदाउट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा केस था। यहाँ पे हमें जो याद रखने वाली चीज है, वो इसकी जजमेंट है। तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है, दैट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट नॉट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ जो है, वो पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स कह लीजिए या डॉक्ट्राइन कह लीजिए, उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं है। ये है हमें याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज नो मेंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, 73rd जो अमेंडमेंट है, ये न्यूज में पहले देखते हैं क्यों आया था, क्योंकि अभी 30th एनिवर्सरी हुई थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वैसे ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट। अब हमें पता है, पंचायती राज जो है, वो आता है अंडर शेड्यूल 11। पंचायती राज कम्स अंडर 11th शेड्यूल, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, वो कम्स अंडर 12th शेड्यूल। हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं टोटल। तो 11th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 12th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अरुणाचल एंड असम टू साइन एमओयू ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट। अरुणाचल और असम ने है साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या होते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे अभी हरियाणा और पंजाब में चल रहा है चंडीगढ़ को लेके, कि किसकी यूटी है, सॉरी हुज कैपिटल इज इट, है ना। वैसे ही इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, कुछ पानी को लेके होते हैं, इस नदी का पानी कुछ किसी एरिया के लैंड के एरिया को लेके होते हैं, कि दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस स्टेट और दिस स्टेट, है ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो रिजॉल्व कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है, वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ले सकती है अंडर आर्टिकल 31। अब ये जो लेगी, वो होगी बिटवीन या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट्स के बीच होगा, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स। उसी के साथ दूसरा जो है, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, प्रेजिडेंट जो होगा, ही कैन फॉर्म इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। और हमें याद रखना है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजिडेंट ही फॉर्म कर सकता है अंडर आर्टिकल 263। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, दैट इज भूटान। भूटान के जो किंग थे, उन्होंने रिसेंटली इंडिया विजिट किया इन अप्रैल 3 से 5 तारीख के बीच में। तो आउटकम जो थे उस विजिट के, तो सबसे पहला जो है, हमने स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी जो है, उसकी एक्सटेंड कर दी 5 ईयर्स की भूटान की। हम पढ़ लेंगे स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी होती क्या है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो इनकम कंट्रीज विथ शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। ठीक है, तो जो लो इनकम कंट्रीज होती है, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस बूस्ट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। बाय व्हाट? टू पे देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट टॉपिक इज नेटो। नेटो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि फिनलैंड जो है, वो 31st कंट्री बना टू ज्वाइन नेटो। ठीक है, फिनलैंड जो है, वो बना 31st कंट्री टू ज्वाइन नेटो। अब नेटो के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। नेटो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी।
वॉशिंगटन ट्रीटी और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ मिलिट्री एलियंस अगेंस्ट द यूएसएसआर इन द यूरोपियन रीजन। उस समय का जो यूरोपियन रीजन था वहां पे जो सोवियत यूनियन था उसके खिलाफ एक मिलिट्री एलियंस था व्हाट एंड दैट एलियंस इज नोन एज नेटो। अब नेटो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन का वॉर का रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दिस दैट यूक्रेन वॉन्ट्स टू ज्वाइन नाटो। मगर यूक्रेन वॉन्ट्स टू ज्वाइन नाटो सिंस रशिया और यूएस के बीच में फिलहाल कोई रिलेशन अच्छे नहीं है और इसलिए रशिया जो है वो इस डिसीजन के विरुद्ध है यूक्रेन के कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। और आर्टिकल 5 जो है नाटो का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कहता है कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव अटैक। कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव अटैक, कलेक्टिव डिफेंस से ये मतलब है कि जैसे 31st कंट्री अभी फिनलैंड बना, तो अगर फिनलैंड के ऊपर मान लेते हैं रशिया अटैक करता है, दैट अटैक जो होगा वो सिर्फ फिनलैंड पे नहीं माना जाएगा। रशिया का जो फिनलैंड पे अटैक होगा वो सिर्फ फिनलैंड पे नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा जितने भी 31 कंट्री नेटो में है उनके विरुद्ध। और जब अटैक होगा तो वो सारे उसके रशिया पे अटैक कर देंगे। तो दैट इज द आर्टिकल 5, कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव अटैक। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डीडॉलराइजेशन। दैट इज डीडॉलराइजेशन। तो देखें डीडॉलराइजेशन पहले मैं बताता हूं आपको होता क्या है। डीडॉलराइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएस डॉलर बाय अदर करेंसीज एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। जो यूएस डॉलर है उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय हम अदर करेंसी, है ना, क्योंकि मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली इन द सेंस कि अगर यूएस का डॉलर ऊपर जाता है तो हमें पता है कि बाकी सारी जो करेंसीज हैं वो हिलती हैं। यूएस का डॉलर नीचे जाता है तो बाकी सारी करेंसीज फिर से उनमें या तो गिरावट आती है बराबर आती है। इट मीन्स जो जितनी भी मार्केट है दैट इज बीइंग रेगुलेटेड और मोनिटराइज्ड बाय सम ग्लोबल रिजर्व करेंसी। तो फिलहाल क्या है वो, दैट इज यूएस डॉलर। अब रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है, देखें ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स जो है आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू करेंसी फॉर पेमेंट्स। पेमेंट्स के लिए वो अपनी एक नई करेंसी कर रहा है। और हमें पता है कि जो ब्रिक्स है वो आजकल उस इकोनॉमिक टर्म में ब्रिक्स इज ग्रेटर देन G7, ब्रिक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन G7, G7 कंट्रीज से ऊपर जा रहा है ब्रिक्स। सेम पॉइंट है ना। और इंडिया और मलेशिया जो है, इंडिया और मलेशिया में हाल में एक सेटलमेंट हुआ है कि उन दोनों के बीच में जो भी ट्रेड होगा वो किसमें हो सकता है, इंडियन रुपीज में, ठीक है। उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट एक हमें ये याद रखना है, ब्रेटन वुड सिस्टम जो है, ब्रेटन वुड सिस्टम जो है दैट कम्स अंडर IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दैट कम्स अंडर IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है, वॉज एन इंटरनेशनल मॉनिटरी एग्रीमेंट दैट स्टैंडर्डाइज करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल मॉनिटरी एग्रीमेंट है जो स्टैंडर्डाइज करता है करेंसी के एक्सचेंज रेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स। तो गिग इकोनॉमी बेसिकली और गिग वर्कर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो फ्रीलैंसर्स होते हैं ना, फ्रीलैंसर्स, फ्रीलैंसर्स को ही कहा जाता है गिग वर्कर्स। फ्रीलैंसर्स को ही क्या कहा जाता है, गिग वर्कर्स। और जिस इकोनॉमी को वो जनरेट करते हैं, जिस इकोनॉमी को वो जनरेट करते हैं उस इकोनॉमी को हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज कोची वाटर मेट्रो। दैट इज कोची वाटर मेट्रो, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो, ये हमें याद रखना है। कोची वाटर मेट्रो जो है दैट इज इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो, इनॉग्रेटेड बाय PM प्राइम मिनिस्टर। द कोची वाटर मेट्रो इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी थ्रू इट्स इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ वाटरवेज, ठीक है। तो ये मेन जो चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि वो इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो है ना। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है गंगा विलास। गंगा विलास ये जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ना, गंगा विलास इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। और ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी 50 साल हो गए हैं हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को मनाते हुए, है ना।
तो प्रोजेक्ट टाइगर के रिगार्डिंग में कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो किसके अंडर आती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब थोड़ा बहुत हम अबाउट इंडियन टाइगर के बारे में पढ़ लेंगे, जिसको पेंथेरा टाइग्रेस कहा जाता है। तो ये फ्लैग स्पीसीज है इंडिया की, और नेशनल एनिमल है किसका? इंडिया का नेशनल एनिमल इंडिया टाइगर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फैक्ट है, दैट इज जो टाइगर है वो बोथ अम्ब्रेला एंड कीस्टोन स्पीसीज में आता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कीस्टोन स्पीसीज होती क्या है। कीस्टोन स्पीसीज हेल्प्स डिफाइन एन एंटायर इकोसिस्टम। विदाउट इट कीस्टोन स्पीसीज द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। तो कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं, अगर वो नहीं होंगी तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत बैडली डिस्टर्ब कर जाएगा। लेकिन वहीं पे जो अम्ब्रेला स्पीसीज होती हैं उसमें ये फर्क है कि अगर वो अम्ब्रेला स्पीसीज ना हो तो वो उसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में पड़ेगा, पूरे एंटायर इकोसिस्टम में नहीं पड़ेगा। और मगर कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं जो अगर ना हो तो उसका इफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम में पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पार्ट टू में डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।